नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप नाइन। आपके साथ मैं हूं कर्ण शंकर शर्मा। और सबसे पहले बात यूपी के सियासी समर की करते हैं। कैराना से अमित शाह ने वेस्टर्न यूपी को क्या संदेश दिया? चुनावी संग्राम में कैराना क्यों विशेष है? अखिलेश यादव की सीट हुई फिक्स, तो क्या अब नहीं है कोई रिस्क? सपा पर सीएम योगी का फिर से हमला, और क्या थर्ड फ्रंट में है कुछ करण? इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए टॉप नाइन यूपी का युद्ध। गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूपी के कैराना में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह का चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने यहां पर डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों में पैम्फलेट बांटे, तो इस दौरान लोगों ने भी शाह का जबरदस्त स्वागत किया। प्रचार के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना के पलायन पीड़ितों से भी मुलाकात की। शाह ने कहा कि यूपी के विकास के लिए योगी का सीएम बनना जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में पलायन पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके घर चाय पी और उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि 2014 में पलायन करने वाले राकेश गर्ग 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद घर वापस लौटे थे। उन्होंने हमें ये कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है और डट के रहिए और यहीं रहिए, और किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हिंदुओं को यहाँ से पलायन पे मजबूर कर सके। यूपी में जन विश्वास यात्रा के बाद आज बीजेपी ने अपने डिजिटल रथों को भी चुनावी रण में उतार दिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 403 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर विधानसभा सीटों के लिए रवाना कर दिया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के बाद यूपी से अपराधी पलायन कर गए। अखिलेश यादव की मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर आज समाजवादी पार्टी ने मुहर लगा दी। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस समय वो आजमगढ़ से सांसद हैं। आपको बता दें कि करहल में करीब 40% यादव वोट बैंक है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज फिर से यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ी घोषणाएं की। अखिलेश ने कहा कि सपा अगर सत्ता में आती है तो प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ साथ आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। बच्चों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप भी दिए जाएंगे। यूपी में बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी और बामसेफ के वामन मेशराम ने मिलकर आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की घोषणा कर दी। ओवैसी ने बताया कि मोर्चे के संयोजक बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। अगर सत्ता में आए तो 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिसमें एक मुस्लिम समाज से होगा। साथ ही ये गठबंधन 95% सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एसपी पर हमला जारी है। योगी ने ट्वीट करते हुए आगामी चुनाव में जीत का दम भरा और ये लिखा, एसपी एक बार फिर शर्मनाक हार के लिए तैयार रहे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, दंगाइयों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के नाम छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने आज यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हर पोलिंग जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है का नारा भी दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।